बिलावल भुट्टो ने कराची के जिना अस्पताल में साइबर नाइफ यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आला सिंध की मरीजों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी। मुल्क पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त। वजीर आजम के मुशीर बराए कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने पीटीआई से बातचीत नामुमकिन करार दे दी। मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मुलाविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। केस की समाअत बुध तक मुलतवी। बुशरा बीबी नजम साकिब ऑडियो लीक केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को केस में मजीद कार्रवाई से रोक दिया। अदालत का 29 और 25 जून का हुक्म इख्तियारात से तजावुज करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंटरनेट की सुस्त रवि और फायरवॉल की तंसीब के खिलाफ दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। दरख्वास्त पर नामुनासिब जबान के इस्तेमाल समेत 4 एतराजात अदालत ने दूर कर दिए। अंदरूनी सिंध मूसलाधार बारिशों से तबाही। दादू में सैलाबी रेलों से दर्जनों देहात का जमीनी राबता मुनकता। कई नहरों में शगाफ पड़ने से फसलें जेरे आप आ गईं।